हाय एवरीवन, आज हम बनाएंगे आलू और पालक की सरसों वाली सब्जी। तो चलिए इसे बनाना हम शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने एक मिक्सी जार लिया है। अब इसमें हम 2 चम्मच सरसों डालेंगे, जिसे मैंने 15 मिनट के लिए पानी में भिगोने के लिए डाल दिया था। 10 से 12 लहसुन की कलियाँ डालेंगे, 1/2 छोटी चम्मच काली मिर्च डालेंगे। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे और इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। देखिए, इसे मैंने ग्राइंड कर लिया है। अब हम फ्लेम को ऑन कर लेंगे और कढ़ाई को गर्म होने देंगे। कढ़ाई अब गर्म हो चुका है। अब इसमें 4 चम्मच तेल डालेंगे। तेल को गर्म होने देंगे। तेल अब गर्म हो चुका है, तो अब हम फ्लेम को मीडियम कर लेंगे। अब इसमें थोड़ा सा मेथी के दाने डालेंगे, 1 सूखी लाल मिर्च डालेंगे। अब इन सभी को हम चटकने देंगे। अब ये चटक चुका है। यहाँ पे मैंने 2 आलू को छील के छोटे टुकड़ों में काट लिया है। अब इसमें हम डाल देंगे और इसे हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। फ्लेम को हम मीडियम ही रखेंगे और इसे हम बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि जले ना। देखिए, ये गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब इसमें हम मसाले डाल देंगे। जो मैंने मसाले तैयार किए थे इसमें हम डाल देंगे। आधा छोटी चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, 1/2 छोटी चम्मच मिर्च पाउडर डालेंगे और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। अब इन सभी को 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। इसे हम बीच बीच में चलाते रहेंगे। अब इसमें 1 बारीक कटी हुई टमाटर डाल देंगे और इसे हम अच्छी तरह से मिला देंगे। अब 4 मिनट हो चुके हैं। अब मसाले भी अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। यहाँ पर मैंने 250 ग्राम पालक लिया है, जिसे मैंने अच्छी तरह से धो लिया है और इसे मैंने काट लिया है। अब इसमें हम डाल देंगे और इसे हम अच्छी तरह से मिला देंगे। देखिए, इसे मैंने अच्छी तरह से मिला दिया है। अब इसे हम ढक देंगे। ढक कर 3 से 4 मिनट के लिए इसी तरह फ्राई करेंगे और इसे हम बीच बीच में चलाते रहेंगे। अब 4 मिनट हो चुके हैं। अब इसे हम मिला देंगे। अब इसमें 1 गिलास पानी डालेंगे और इसे हम अच्छी तरह से मिला देंगे। देखिए, इसे मैंने अच्छी तरह से मिला दिया है। इसे ढक देंगे। ढक कर मीडियम फ्लेम पर 5 से 7 मिनट के लिए पकने देंगे और इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे। अब 7 मिनट हो चुके हैं और इसे हम एक बार मिला देंगे। अब हम फ्लेम को ऑफ कर लेंगे और इसे हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। देखिए, इसे मैंने एक बर्तन में निकाल लिया है। अब आलू और पालक की सब्जी बनके रेडी है। अगर मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।